अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रेनबो फूड। मीठे मीठे खानों से अपने दस्तरखान को सजाते रहें, बहुत ही मज़ेदार मीठा सा डेजर्ट बनाएं, ताइवान की स्पेशल डिश आप अपने खानों में इजाफा करें। गाजर को आपने काट लेना है, छोटे छोटे पीस उसके काट के आप उसको चॉप कर लें, बहुत ज़्यादा उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपने उसको फाइन चॉप कर लेना है। इसको बनाने के लिए इसमें ये 2 ग्लास के करीब हो जाएगी, 5 चम्मच इसमें चीनी शामिल करें। ये बहुत ज़बरदस्त सा मीठा आपका तैयार होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये हम फिलिंग इसकी तैयार करेंगे। बहुत से इलाकों में इसको मोची के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छी डिश बनेगी। एक कप इसमें पानी आपने शामिल करना है और इसको आप पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट तक इसको आप पकने देंगे, उससे ये पानी खुश्क हो जाएगा और गाजर बहुत अच्छे से गल जाएगी। 2 चम्मच इसमें स्टार्च शामिल करके इसको आप 1 चम्मच घी के साथ अच्छे से भून लें। ये बहुत अच्छा इसका फिलिंग तैयार हो जाएगी। गाजर का मौसम ख़त्म होने पहले ज़रूर इसको तैयार करें। ये बहुत ज़बरदस्त सा बन गया है। 1 कप आपने चावल का आटा लेना है और 3 चम्मच आपने इसमें स्टार्च के डालने हैं। 1 चम्मच इसमें आप घी या ऑयल कोई भी आप चीज़ डालना चाहें तो आप इसमें वो शामिल करें। साथ में 2 चम्मच इसमें चीनी मिलाएं, थोड़ा सा भून के इसमें आपने 1 ग्लास दूध का शामिल करके इसको हल्की आंच पे पकने देना। साथ साथ नीचे से इसको उतारते रहें। थोड़ा अच्छे से जब ये खुश्क हो जाए तो आपने आँच बंद कर देनी है। अब इसको हमने इसी तरह से मलते जाना है। क्योंकि हम गाजर के साथ बना रहे हैं इसकी फिलिंग, इसलिए इसमें हमने इसके फूड कलर हम शामिल करेंगे। रेड कलर का हमने इसमें फूड कलर शामिल किया, उसको वो थोड़ा सा आपने मिक्स करना है कि ये सारा कलर इसमें खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। फिलिंग जो हमने बनाई है गाजर की, उसको आपने छोटे छोटे बॉल बना लेनी है। सारी बॉल बहुत अच्छी सी है, एक ही साइज़ की आपने बना लेनी है। अब हमने जो चावल का आटा बनाया है इसको खूब अच्छी तरह पहले मल लेना है, इसमें थोड़ी सी लचक पैदा हो जाएगी इसको मलने की वजह से। इसको 15 मिनट आपने इसी तरह मलते जाना है, उसके बाद आप इसके इक्वल पीस बना लें। फिलिंग इसके दरमियान में रख के आप इसको बॉल को बंद करके बॉल की शक्ल में इसको आपने बना लेना है। ये खाने में बहुत टेस्टी और बड़े यमी लगते हैं। इनको आप डेकोरेट करें किसी भी चीज़ के साथ, उस पर नट्स लगा सकते हैं, स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं। देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी मज़ेदार लगते हैं। इसकी लुक भी बहुत अच्छी अंदर से आ रही है, उसको काटने से उसके अंदर से उसकी जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वैसे भी मौसम जैसे कि गाजर का ख़त्म हो रहा है, तो आप इसको एंजॉय करें, बनाएं और बहुत सी डिशों के साथ।